हे गाइस, आप सभी का स्वागत है टीम्स फॉर एन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फिफ्थ और फाइनल T20 इंटरनेशनल मैच जो होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है बिकॉज आपको पता है डिसाइडर मैच है, तो एक्साइटमेंट वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ जो सबसे बढ़िया दो टीम हैं, टॉप वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से टॉप टू टीम्स हैं, वो इस मैच में खेलने वाली हैं, तो वैसे ही एक्साइटमेंट जो है आपको फील आने लगता है कि जो वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल वाला मैच है वो होने वाला है। तो ऐसा ही कुछ फील आ रहा है मुझे, तो आपका पता नहीं लेकिन मुझे तो वैसा ही फील आ रहा है। बिकॉज नॉकआउट मैचेस से कम जो है इसको आप नहीं मान सकते कि ये मैच होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मैच है दोनों ही टीम्स के लिए भी और हमारे लिए भी। एज ए इंडियन फैंस हम ज़रूर जो है पूरा सपोर्ट करने वाले हैं इंडिया को कि वो इस मैच में आराम से विन करे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी फाइट देखने को मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने लायक मैच बन सकता है। तो ज़रूर जो है देखना, एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है और इस मैच में इन्वेस्टमेंट भी आपको जो है थोड़ा बहुत संभल के करना है। और क्यों करना है, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क उठाओ तो आप स्मॉल लीग में आराम से विन कर सकते हो। क्यों, कैसे आप विन कर सकते हो, ये सब कुछ आपको आगे डिटेल में मैं बताऊँगा। तो ज़रूर जो वीडियो को ध्यान से और एंड तक पूरा बिना स्किप करे देखना, आपको वीडियो में मज़ा ज़रूर आएगा और मज़ा आया वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ओके, मैच प्रीव्यू में प्री नोट्स जो होते हैं वो मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रीव्यू का जो कंजम्पशन जो पूरा मिला के एक आप कह सकते हैं शॉर्ट में जो हो सका वो टॉपिक को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं पूरे वीडियो में। वेदर इन्फो की बात करता हूँ तो थ्रू आउट द सीरीज़ सेम टेम्परेचर रहा है, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिला, ना ही कोई थंडर्स वगैरह देखने को मिले। तो आई गेस आज के मैच में भी सेम वाला वहाँ पे वेदर अभी फोरकास्टेड है और वही सेम वेदर पूरा मैच में देखने को मिलेगा। तो लाउड ह्यूमिड डे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई बारिश के चांसेस नहीं है। पिच की बात करता हूँ तो पिच जो है लास्ट मैच में थोड़ा पेसर्स को असिस्ट कर रही थी ऐसा लगा देखने में, लेकिन वो ऐसा नहीं था। पेसर्स ने अच्छा किया इसलिए बिकॉज पहला इनिंग में तो पेसर्स अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन सेकंड इनिंग में इंडिया के पेसर्स ने बढ़िया किया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा किया। बिकॉज उनके पास थोड़े बैंक में रन्स थे जो उनको जो है वो आप कह सकते हैं अंदर से वो मोराल दे रहे थे कि थोड़ा बहुत आप पुश कर सकते हैं बैट्समैन के अगेंस्ट, थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं जिससे वो गलत शॉट खेले और जो है वो जल्दी से आउट हो जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ जिसके चलते जो है पे इंग्लैंड के बैट्समैन पे थोड़ा जो 185 के टोटल का जो प्रेशर था उसको चेस करते हुए उन्होंने ले लिया और उसके बाद वो जो है धड़ाधड़ विकेट गिरते गए और इंडिया जो है वो थोड़ा कमांडिंग पोजिशन पर आ गया। लास्ट में थोड़ा मैच फंस सा गया था, लेकिन लास्ट ओवर में कुछ जो है यहाँ पर फंस सा गया था मैच, लेकिन वो शार्दुल थे तो इसीलिए इतना क्लोज आया मैच। वरना अगर भुवी या जो है आप हार्दिक पांड्या होते तो मैच का सिचुएशन कुछ अलग होता और ना ही 8 रन से इस मैच को इंडिया ने विन किया होता, थोड़ा ज्यादा रन से इस मैच को विन कर लेते। ओके, तो बात अलग हो गई, अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। टोटल 4 मैचेस इस वेन्यू पे अभी जो है हुए हैं और वहां पे बैटिंग सेकंड 3 बार, बैटिंग फर्स्ट जो लास्ट मैच में हुआ एक बार वही है। और स्कोर पैटर्न तो आपको पता ही है क्या हो रहा है, लेकिन लास्ट मैच में कुछ अलग हुआ। क्या हुआ, इंडिया ने यहाँ पे 185 बनाया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, याद होगा आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा, मैंने कहा था 20 से 35 के बीच का एक कुशन चाहिए कोई भी टीम अगर पहला बैटिंग करती है। जो अभी तक टोटल बना है उसके अलावा 20 से 35 का जो है कुशन चाहिए होगा, तो वही टीम इंडिया ने बना के दिखाया। 164 का मेबी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टोटल था अभी तक तीनों ही मैचेस में, लेकिन चौथे मैच में ये किया इंडिया ने कि यहाँ पे 185 बनाया। जो 20-25 का जो एक्स्ट्रा एडिशन था वो जो है यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करने का काम किया इंग्लैंड के ऊपर। तो इंग्लैंड आया बैटिंग के लिए तो उनको रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए था पहले के मुकाबले, पहले मैचेस के मुकाबले, तो उन्होंने थोड़ा ट्राई किया, थोड़ा हार्ड जाने की कोशिश की बॉलर्स के अगेंस्ट, उसी के चक्कर में उनके विकेट्स जल्दी गिरना स्टार्ट हो गए। और थोड़ा जो है यहाँ पे जैसे ही राहुल चहार आए उन्होंने भी स्पिन को जो है अच्छे खासे जो है यहाँ पे उन्होंने भी 2 विकेट्स निकाले, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सारे बॉलर्स ने अपना अपना रोल निभाया तो सब पूरा टीम मिलके टीम वर्क से इस मैच को विन किया, तो ये तो मानना होगा कि सारे टीम ने यहाँ पे जो है खास करके अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया। लेकिन पहला बैटिंग करते हुए सूर्य कुमार यादव देखने में इतना मज़ा आया, तो वो तो अलग बात है, आगे बात करेंगे। सो ये हुआ था सेकंड इनिंग में और पहला इनिंग में, दोनों ही इनिंग में पेसर्स ने बहुत अच्छा किया। इस सीरीज़ में थ्रू आउट द सीरीज़ 3 से ज़्यादा विकेट गिरे ही नहीं थे सेकेंड इनिंग में, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। यहाँ पर जो है सेकेंड इनिंग में
कुल मिला के 8 विकेट्स गिरे, जिसमें से पेसर्स ने 6 विकेट निकाले, 2 विकेट जो है स्पिनर ने निकाले जो कि राहुल चहर थे। ओके सो ये हुआ। बाकी के पुराने मैचेस आपके सामने हैं, मैंने सारे मैचेस कवर किए हैं, तो ब्रेकडाउन मैंने कर दिया है सारे मैचेस का, तो इसको ज़्यादा आप यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चारों ही मैचेस में 41 विकेट्स कुल मिला के बॉलर्स ने निकाले हैं, जिसमें से पेसर्स 29, तो कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा है पेसर्स का। खास करके पहला इनिंग में पेसर जो है वो बहुत 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 ही ज़्यादा क्रूशल है, तो पेसर्स को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हो सका तो आप सारे पेसर जितने भी पहला इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं आप सारे ही पेसर उठा सकते हैं, बिकॉज उनमें से कोई भी पॉसिबल है 3-4 कुछ भी विकेट निकाल ले, तो जरूर जो यहां पे ऐसा ही हो रहा है। पहला इनिंग में कोई भी एक बॉलर जो है बंच में विकेट निकाल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है पहला इनिंग के बॉलर में। आपको ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ, कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी आप अगर बनाना चाहते हो बॉलर्स में, तो रोटेट कर लो सारे प्लेयर पहला इनिंग में जो बॉलिंग कर रहा है, उन बॉलर्स में से आप जो है सारे बॉलर्स को एक एक अलग अलग टीम में जो है वाइस कैप्टन या कैप्टन जो भी बनाना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू दैट आप सिचुएशन के हिसाब से अपना जो आप टैक्टिक यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आप बना सकते हो, रोटेट कर लेना सारे प्लेयर्स में। ये एक जो है आप कह सकते हो अलग हटके एक चॉइस बन जाएगा आपके लिए। ओके तो मैच प्रीव्यू के तरफ जो यहाँ पे बढ़ते हैं, तो इंडिया की तरफ से मेरे हिसाब से केएल राहुल को बिठाना इस मैच में सबसे बढ़िया कॉल बन सकता है, अगर टीम चाहती है, जो ऑलरेडी एक मोराल हाई ऑन कॉन्फिडेंस चल रहे हैं, वो इतना बढ़िया मैच विन करके आ रहे हैं, तो उसको अगर वो मेंटेन करना चाहती है तो मे बी पॉसिबल है। ईशान किशन अगर फिट हैं, जो ग्रॉइन इंजुरी थी उसी के चलते उनको रेस्ट मिला था, अगर वो फाइन है तो उनके जगह जो है यहाँ पे केएल राहुल की जगह ईशान किशन को खिला सकते हैं, और स्काई को वन डाउन पे रखें, और उसके बाद विराट कोहली, देन आयर, और उसके बाद देन फॉलो ऑन पंत और हार्दिक पंड्या, तो ये उनकी पॉसिबल 11 निकल के आ सकती है ऑन अ बैटिंग ऑर्डर। ओके तो वो डिस्कस नीचे कर लेते हैं, की प्लेयर की बात करता हूँ, विराट कोहली, इससे बढ़िया मैच इनके लिए परफॉर्मेंस के लिए नहीं हो सकता, तो इस मैच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सारे लोगों की नज़र इन पे ही है, तो ऐसे मैचेस में बहुत ही बढ़िया करते हैं। और उसके बाद है ऋषभ पंत, जो कि इंपॉर्टेंट, इनके कैमियोज जो हैं छोटे मोटे 30-40-35 के जो कैमियोस आए हैं अभी तक, वो बहुत ही जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक जो है अपना प्लेस रखते हैं टीम के कंट्रीब्यूशन में, तो बहुत अच्छा है कि एक ऐसा मिडल ऑर्डर फिनिशर हमें मिला है, आप कह सकते हैं लोअर मिडल ऑर्डर फिनिशर मिला है, जो अच्छे खासे रन्स बना सकता है, क्विकली रन्स बना सकते हैं, तो अभी थोड़ा बहुत और ग्रूम करने की ज़रूरत है इनको, तो वो तो हो ही जाएगा समय में, लेकिन अभी तक तो जितना भी किया है अच्छा ही किया है। हार्दिक पांड्या लास्ट मैच में देख के ऐसा लग रहा था कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट वर्जन है हार्दिक पांड्या का, एक्शन थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा ही चेंज किया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रहा है, और इतना बढ़िया बॉलिंग करा रहे थे, और ना ही वो पहला वाला अग्रेशन था और जितना जोश होता था वो सब नहीं था, बिल्कुल लग रहे थे कि बिल्कुल अपने कंट्रोल में है, काम वाले जो फील आती है, वो वाला जो मॉन्क वाला पूरा जो है एक इनका मेरे को लग रहा था वर्जन काम कर रहा है, तो बहुत ही अच्छे नज़र आए, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा की रोल इस मैच में निभाने वाले हैं। पॉसिबल 11 विद बैटिंग ऑर्डर, रोहित ओपन करने चाहिए ईशान के साथ, और उसके बाद यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, स्काई को वन डाउन पे रखें, देन विराट कोहली, उसके बाद श्रेयस अय्यर, देन ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, तो ये इनकी बैटिंग ऑर्डर हो सकती है नीचे तक। बॉलिंग में वॉशिंगटन सुंदर, भुवी और शार्दुल ठाकुर, लास्ट मैच में चहल को रेस्ट दिया, तो अगर इस मैच में चाहती है टीम तो चहल के साथ अगेन जा सकती है, वरना अगर चहल के साथ जाना चाहें तो अच्छा होगा, बिकॉज अच्छे मैचेस में बड़े मैचेस में एक्सपीरियंस थोड़ा आपके लिए काम कर सकता है, तो चहल ने उतना बुरा भी नहीं किया था, तो आप चाहें तो चहल को फिर से वापस ला सकते हैं, अगर वो फिट हैं तो ज़रूर जो उनको खिलाना चाहिए। बाकी तो मेरे हिसाब से ये वाला जो है 11 काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो ज़रूर यहाँ पे। इंग्लैंड की तरफ से बात करते हैं, तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो ऐसा ही कुछ आप जो कह सकते हैं नॉकआउट मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ऐसा ही निकाला था फाइनल में इन्होंने, ODI का मैच था वो तो अलग बात है वर्ल्ड कप का, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है, टीम बहुत ही टक्कर वाली है, तो यहाँ पे उसी मैच को जो है मेमोराइज़ करते हुए कुछ अच्छा करना चाहेगी इंग्लैंड, और मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होना चाहिए इनका। की प्लेयर में जेसन रॉय कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया है, नॉनलेस वो बैटिंग फर्स्ट करे बैटिंग सेकंड करे नो मैटर व्हाट, उन्होंने कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया है, तो कंसिस्टेंट हैं, तो इसीलिए ज़रूर की प्लेयर होंगे। जोफ्रा आर्चर विद द बॉल काफ़ी सॉलिड बॉलर हैं, T20 फॉर्मेट में अभी सबसे अगर आप कह सकते हैं थ्रेटनिंग बॉलर हैं तो वो जोफ्रा आर्चर ही हैं, जो साथ ही साथ थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं,
लास्ट मैच में शार्दुल के अगेंस्ट जो शॉट्स लगाए थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो ये शॉट्स भी लगा सकते हैं। बॉलिंग से साथ साथ कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत बढ़िया, क्या 4 विकेट्स निकाले थे। मार्क वुड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पेसी बॉलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किडी बॉलिंग कराते हैं, बहुत अच्छे पेस पे बॉलिंग कराते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इंजरी इनको जो है कंसर्न रहता है हमेशा, कि ये कंसिस्टेंटली इतने मैच निकाल सकते हैं या नहीं। अगर निकाल सकते हैं तो विल बी अ वेरी की प्लेयर। सो ज़रूर जो है यहाँ पे इंग्लैंड अगर चाहती है कुछ बॉलिंग से अच्छा करना, तो मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर दोनों को साथ ही साथ अच्छा करना होगा। पॉसिबल 11 विद बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं एक्सपेक्टेड है इंग्लैंड की तरफ से, तो बिल्कुल 11 जाना चाहिए सेम। अगर मार्क वुड के साथ एक और मैच का रिस्क वो उठा सकते हैं, जो कि उठाना चाहिए जो इतना क्रूशियल मैच है, तो ज़रूर जो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हेड टू हेड में अभी तक 18 मैचेस खेले गए हैं, 9-9 पे दोनों ही टीम्स टाई पे हैं, लेकिन इंडिया ने पहला बैटिंग करते हुए 5 और सेकंड बैटिंग करते हुए 4 मैचेस विन किए हैं। वहीं पे इंग्लैंड ने पहला बैटिंग करते हुए सिर्फ 2 मैचेस विन किए हैं और चेस करते हुए ये 7 मैचेस विन किए हैं, यानी 75% ऑफ द मैचेस आप कह सकते हैं लगभग उन्होंने जो है वो बैटिंग सेकंड करते हुए ही निकाले हैं। तो यही अभी तक जो है उनका सिनेरियो रहा है, चेज करना ही उनकी अभी तक स्ट्रेंथ बनी हुई है। इस वेन्यू पे 4 मैचेस हुए, 2-2 से दोनों ही टीम्स बराबर में हैं और ये मैच टाई ब्रेकर और फाइनल मैच होने वाला है। और लास्ट मैच में जो हुआ मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो जो एक्स्ट्रा कुछ 20-25 का मार्जिन चाहिए था वो ऐड कर लिया टीम इंडिया ने, और उसी के चलते थोड़ा बहुत चेस करने वाली साइड को प्रेशर आया। तो मैंने जो कहा था मेरा प्रिडिक्शन तो वो सही रहा, तो इस मैच में भी वही होगा। पहला जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो उसको ये टारगेट अचीव करना है, 185-180 प्लस का टोटल जो भी बनेगा, 190 प्लस भी चला जाए तो और भी बेटर है। तो ज़रूर जो ये वाला टोटल यहाँ पे एक सॉलिड टोटल पहला इनिंग के लिए आप मान सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे जो पहला इनिंग में पेसर बॉलिंग कराता है उसमें से कोई एक पेसर तो बिल्कुल बंच में विकेट निकालता है, 3-4-5 कुछ भी निकाल सकता है। तो ज़रूर जो सारे पेसर पहला इनिंग में आपको बस रोटेट करके चलना है। ओके, ये आपको मैंने बता दिया, पुराने मैचेस का स्टैट्स आपके सामने हैं, स्कोर कार्ड्स आपके सामने हैं, आप खुद ही देख लेना। लास्ट 9 मैचेस में 6-3 से आगे चल रहा है टीम इंडिया, तो ये भी आप देख लो। लास्ट सीरीज़ के मैचेस हैं और उससे पहले वाले सीरीज़ के मैचेस भी आपके सामने हैं, और एक वर्ल्ड कप का मैच भी इसमें आ जाता है। हेड टू हेड लीडर्स में अभी तक विराट कोहली, मॉर्गन रॉय और बटलर राहुल शर्मा यही हैं टॉप परफॉर्मर्स। बॉलिंग सेक्शन से युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, जॉर्डन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लेयर बैटल मैचअप्स कुछ खास नहीं हैं, आप इनके ऊपर ध्यान मत देना, बिकॉज इतने बढ़िया मैच और इतने बड़े मैच में ज़्यादा टैक्टिक यूज़ नहीं होता, ज़्यादा हिस्टोरिकल जो फिगर्स होते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन फिर भी आप एज अ रेफरेंस ले सकते हो, मैं हमेशा यही कहूँगा कि जो होते हैं मैचअप्स वो हिस्टोरिकली होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही रिपीट होगा। ओके, तो बस ये ध्यान में रखना। सेफ स्मॉली के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन, विराट कोहली, रॉय, बटलर, रोहित, अगेन यही 4 प्लेयर हैं जो सिलेक्शन के बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा सेफ हैं। तो इनके साथ अगर जाते हो तो बिल्कुल सेफ चॉइस हैं, ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो इनमें से आप कैप्टन या वाइस कैप्टन, जो सिलेक्शन जिसका ज़्यादा है जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन में, उस हिसाब से आप रख के बिल्कुल सेफ जाना चाहते हो जा सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा रिस्क ऐड करना है अपनी टीम में तो मैं रेकमेंड करूँगा जो पहला इनिंग में अगर आर्चर बॉलिंग कराते हैं तो इनको एज अ वाइस कैप्टन लेके चलो, बिकॉज पहला मैच में जो किया था आपको याद होगा, अगर पहला इनिंग बॉलिंग कराते हैं तो वही अगर सेम सिनेरियो रिपीट हो सकता है तो इंडिया की ये कमर तोड़ सकते हैं पहला इनिंग में। तो यही एक बॉलर है जो इंडिया की कमर तोड़ सकते हैं, तो इनको वाइस कैप्टन बना लो। या अगर पहला जो है चेस करते हुए अगर कोई आपको रिस्क लेना है तो ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव में से कोई, दोनों में से अगर चाहो तो कोई एक वाइस कैप्टन रखो, बिकॉज दोनों ही अच्छे फॉर्म में है थ्रू आउट द, आप कह सकते हैं सिंस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो चल रहा है वहाँ से लेकर अभी तक इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी पूरा इन्होंने जो है कंसिस्टेंटली अच्छा किया हुआ है, तो सॉलिड फॉर्म में है, तो इन दोनों के ऊपर रिस्क तो बनता है अगर लेना चाहते हो स्मॉल लीग में या ग्रैंड लीग मीडियम साइज़ की लीग में, जिसमें भी आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन। अगर ग्रैंड लीग में कुछ पंट्स ऐड करने या एक्स्ट्रा कुछ अगर प्लेयर्स को ट्राई करना है, या थोड़ा बहुत एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन भी फ्लेवर आप डाल सकते हो इनमें से, तो यहाँ पे मॉर्गन है जो अभी तक इस सीरीज में कुछ नहीं किया है बड़ा, तो लेकिन ऑलरेडी आपने हेड टू हेड में देखा कितना कंसिस्टेंट है ये, लेकिन इस सीरीज़ में बिल्कुल ठंडा रहा है इनका स्कोर। तो मैं भी ये मैच हो सकता है जहाँ पे ये कुछ अच्छा कर ले, बिकॉज पेसर और स्पिनर को दोनों को अच्छा खेल सकते हैं ये, तो इसीलिए। बाकी वॉशिंगटन सुंदर ही हैं इनके अगेंस्ट थोड़ा बहुत थ्रेटनिंग, अगर उनको कंट्रोल ले खेल लेते हैं
तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर वंस अगेन वेरी गुड लैड जो मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन जब भी टीम रिक्वायर होता है तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। भुवी इज़ ऑल्सो इग्नोर्ड बाई मैनी, सो बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं पता नहीं क्यों, लेकिन लास्ट मैच में इतना बढ़िया बॉलिंग कराया, प्रेशर डाला प्लेयर्स के ऊपर, विकेट्स भले ही शार्दुल को ज़्यादा मिले लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन था टीम के लिए वो काफ़ी सॉलिड रहा था। तो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, अच्छे लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो ज़रूर आप ट्राई दे सकते हो। और सबसे क्रूशियल ओवर्स जो होते हैं वो यही डालते हैं, स्टार्टिंग के दो ओवर्स और यहाँ पे आप कह सकते हैं लास्ट जो 19 ओवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ओवर जो है यहाँ पे भुवी डालते हैं, तो वहाँ पे विकेट्स मिलने के चांसेस हैं इस मैच में। मैं रिकमेंड ज़्यादा फोर्सली कहूँगा कि ट्राई ज़रूर करना इनको, ओके। मार्कवुड इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, आप अगर चाहते हो ग्रैंड लीग में थोड़ा बहुत कुछ अलग करना, इनको वाइस कैप्टन या कैप्टन कुछ भी बना लो। आर्चर वुड दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे इंग्लैंड अगर पहला बॉलिंग करता है तो, और जॉर्डन भी आप उसमें काउंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रोक्स। तो ये कुछ 4-5 प्लेयर हैं। सैम करन को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली थी लास्ट मैच में, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा उनके ऊपर जो है कुछ कॉमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये 4 प्लेयर तो आप जरूर जो है पहला बॉलिंग करें इंग्लैंड, तो इनमें से कैप्टन या वाइस कैप्टन आप रोटेट ज़रूर कर लेना, ओके, ध्यान रखना। तो ये था स्टेटिस्टिकल बेस्ड प्रीव्यू, और थोड़ा बहुत लॉजिक और थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, तो ज़रूर जो है आपको अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन सही लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब कुछ फ्री है, और टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर करना, फ्री से ज़्यादा है, टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करना फ्री टीम्स के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप ज़रूर जो ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर फ्री है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो टेलीग्राम पर, सब कुछ आप कर ही लेना। सो ड्राफ्ट टीम की अगर बात करूं तो ड्राफ्ट टीम हमेशा ड्राफ्ट होती है, ओके। ड्राफ्ट का मतलब होता है थोड़ा बहुत जो आप कह सकते हैं जो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है उसी टीम को ड्राफ्ट कहा जाता है। तो ये टीम है जहाँ पे आप अगर चाहते हो तो इस टीम के साथ स्मॉल लीग्स में एंटर कर सकते हो, इनमें से पॉसिबल है कुछ प्लेयर ना भी खेले तो उनको चेंज करना आपके ऊपर है। फर्दर जो भी चेंज होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। चेंजेस मैं यहाँ पे अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ तो एक मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली दो ड्रॉप मैंने यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से किए हैं, बेस्टो और डेविड मलान। इन दो ऑप्शंस को आप अगर किसी भी प्लेयर के साथ रोटेट करके ले सकते हैं तो ले लेना, अगर आप इनको ज़्यादा रेटेड रखते हैं, इन जो मैंने सेलेक्टेड प्लेयर्स लिए हुए हैं इनमें से अगर आप मानते हो कि कोई प्लेयर जो है उससे बेटर है तो आप उनको पिक कर लो, कोई प्लेयर नहीं, ये दो प्लेयर मैंने ड्रॉप किए हैं, आप इनमें से जो भी सही लगे उनको ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने यहाँ पे बेन स्टोक्स को ड्रॉप किया है, बिकॉज लास्ट मैच में उन्होंने 46 की बैटिंग से कंट्रीब्यूशन दी थी और दो विकेट भी निकाले थे, लेकिन अगेन अगर वो ये कर सकते हैं तो इंडिया आज के मैच में थोड़ा बहुत ट्रबल में आएगा, लेकिन आज के मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडिया अच्छा करेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्टोक्स और मलान और जो यहाँ पे बेस्टो को ड्रॉप कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो बटलर की जगह बेस्टो ले लो, और यहाँ पे जो है आप अगर चाहते हो तो भुवी या शार्दुल में से कोई एक ड्रॉप करके आप चाहो तो बेन स्टोक्स या मलान ले सकते हो। ये स्वैप अप ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको दे दिए, वुड, आर्चर और मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या, ये तीन बॉलर मेरे हिसाब से रहेंगे मेरे दोनों साइड से मिला के। फर्दर ठाकुर और भुवी में से आपको जो सही लगे, मैं तो यहाँ पर ठाकुर को ही ड्रॉप करना सजेस्ट करूँगा, तो इनको ड्रॉप करके आपको मलान या जो है यहाँ पर आप चाहते हो तो बेन स्टोक्स वगैरह आप ले सकते हो। फर्दर कैप्टन मैंने रोहित रखा है, मे बी पॉसिबल है कोहली रख लूँ, या मे बी पॉसिबल है मैं यहाँ पे स्काई रख लूँ, या पॉसिबल है मे बी आर्चर रख लूँ, तो जो भी डिपेंडिंग अपॉन टॉस डिसीजन होगा उस हिसाब से मैं जो सिचुएशन को देख के सही लगेगा मैं रखूँगा। वाइस कैप्टन रॉय रखा हूँ, मे बी पॉसिबल है कोई और भी चेंज कर लूँ, तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बिल्कुल आपके ऊपर है चॉइस, जो भी आप सही करना चाहें कर सकते हैं। फर्दर मेरी, और अगर आप स्मॉल लीग की टीम चाहते हैं उसको देखना चाहते हैं या उसी से खेलना चाहते हैं, मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा कि मेरी टीम अंधाधुन आप लगा ले, लेकिन अगर आपको फिर भी एज अ रेफरेंस मेरी टीम चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, सारे स्पोर्ट्स की आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलती हैं, अपडेट्स मिलती हैं, तो ज़रूर जो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो और इन्फॉर्मेशन, मेहनत, काम, कुछ भी पसंद आया वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, वो फ्री है, तो सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड कलर का है उसको ग्रे कलर कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पे सेट ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना वीडियो को लीव करने से पहले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द बहुत सारे अपडेट्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू 3000।